तो जिन लोगों को भी फिल्म में काम करना होता है, मैं खुद ही कहता हूँ कि जहाँ मेरी शूटिंग हो रही है आप आ जाइए, वहाँ जो हमारे क्रिएटिव लोग होते हैं मैं उनसे मिलवाता हूँ और कहता हूँ कि ये आप इनसे मिलिए, ये फिल्म में जो भी काम करने के लायक है इनको काम दीजिए, और लोग करते ही हैं। तो जो जी हाँ दोस्तों, आपके कानों पे विश्वास नहीं हो रहा होगा, आपको यकीन नहीं हो रहा होगा कि भोजपुरी फिल्म में आपको काम करना है, कोई नहीं दे रहा है मौका, तो आपके कानों को बिल्कुल यकीन नहीं होगा मेरी बात सुनकर, क्योंकि भोजपुरी के सुपरस्टार दिनेश लाल यादव यानी निरहू आपको दे रहे हैं फिल्म लाइन में काम करने का मौका, और आपको पता भी बता रहे हैं कि आपको कहाँ जाना है, कैसे काम मिलेगा। यकीन नहीं हो रहा है ना? अगर लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो चलिए, मैंने उनसे मुलाकात की है और उनसे इन सवालों के जवाब लिए हैं, और आप ये जवाब सुनकर खुशी से उछल जाएंगे। तो चलिए दिनेश लाल यादव से ही मुलाकात करते हैं और पूछते हैं कि वो आपको कैसे फिल्मों में काम करने का मौका देंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भोजपुरी वन और मैं हूं आपका रामा यादव, और साथ में जो है आपने बहुत फरमाइश की थी कि भैया दिनेश जी को लाइए, निरहू जी को लाइए, तो आज मैं लेके आया हूं अपने चैनल पर। सर बहुत सारी फिल्मों की बातें हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन आप जितने फेमस हो गए हैं और यूट्यूब पर जितने छाए हुए हैं, तो सभी जो उत्तर भारतीय हैं और बिहार के लोग हैं आप जैसा बनना चाहते हैं और उनको कोई चांस नहीं मिल रहा है, क्या आगे का प्लानिंग है नए लड़कों के लिए? बहुत आसान है, पहले तो बहुत मुश्किल था जब हम लोग आए थे, अब तो बहुत आसान हो गया है। आपके अंदर जो प्रतिभा है, आप जो करना चाहते हैं, आज के डेट में आप उस प्रतिभा को आप यूट्यूब पर दिखा सकते हैं, आप फेसबुक पर दिखा सकते हैं और पूरी दुनिया आपको देख सकती है, तो बहुत आसान है। अब तो जो कोई भी चाहे अपना, आप 2000 में गाने बन जाते हैं, एल्बम बन जाता है। हाँ, जब हम लोग शुरू किए थे तो उस समय तो खेत वेत बेचने की नौबत आ जाती थी, पर अब ऐसा नहीं है, बहुत आसान है। आपको बहुत अच्छा, आप गायक हैं, आपको लगता है आप बहुत अच्छा गाते हैं, 2000 रुपया लगता है, अपना गाना बनाइए और जाके यूट्यूब पर डाल दीजिए, फेसबुक पर डाल दीजिए, सच में आपके अंदर अगर है बात पूरी दुनिया में छा जाएंगे आप। लेकिन आपको कभी किसी ने परेशान किया होगा काम मांगने के लिए, तो क्या किया आपने काम? नहीं, मैं काम देता हूँ, क्यों नहीं काम दूंगा। जब कोई एक फिल्म बनती है, जैसे अभी फिल्म बन रही है आजमगढ़ में 25 तारीख से जी, तो इतनी बड़ी फिल्म बन रही है, सैकड़ों लोगों को काम मिलेगा उसमें, ऐसा नहीं है कि काम नहीं मिलता है जी। तो जिन लोगों को भी फिल्म में काम करना होता है, मैं खुद ही कहता हूँ कि जहाँ मेरी शूटिंग हो रही है आप आ जाइए, वहाँ जो हमारे क्रिएटिव लोग होते हैं मैं उनसे मिलवाता हूँ और कहता हूँ कि ये आप इनसे मिलिए, ये फिल्म में जो भी काम करने के लायक है इनको काम दीजिए, और लोग करते ही हैं। तो जो आजमगढ़ में इस वक्त देख रहे होंगे, तो भैया जब इनकी शूटिंग चल रही है वहाँ पे, तो आप जाके एक बार ट्राई कर सकते, प्रोडक्शन वाले को इनको नहीं परेशान कीजिएगा, प्रोडक्शन वाले से नहीं, नहीं, नहीं आप चाहें तो अभी से आजमगढ़ में जो हमारी टीम है, संतोष श्रीवास्तव जी हैं जी, एक्टर हैं और वहाँ पे लोकल प्रोडक्शन भी वो लोग देखते हैं, तो कलाकारों का चयन वो लोग शुरू कर दिए हैं। आप जाइए, संतोष श्रीवास्तव जी से मिलिए जी, और निश्चित रूप से फिल्मों में काम करने के लिए हमें खुद आवश्यकता होती है, सैकड़ों लोग हमें चाहिए होते हैं, तो हम तो खुद ही चाहते हैं कि आप लोग जुड़े। एक आखिरी सवाल, क्योंकि आपका समय नहीं है सर, कुछ लोग मुंबई आते हैं और वो ठगी का शिकार हो जाते हैं, जैसे उनको कुछ लोग ठग लेते हैं कार्ड के नाम पे, बस उनके लिए क्या संदेश है? बस आखिरी सवाल मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने आप को पहचानिए कि आप क्या करने योग्य हैं, क्या करना चाहते हैं, और आपके अंदर अगर करने की क्षमता है तो आप कर पाएंगे। जो शॉर्टकट अपनाते हैं वही ठगे जाते हैं। बिल्कुल शॉर्टकट, बिल्कुल ठगे तभी जाएंगे जब आपको जो काम आता नहीं है, आप उस काम में चाहते हैं कि आपको रातों रात शोहरत मिल जाए, तो आप किसी को पैसे देंगे, आप किसी को सोर्स लगाएंगे, आपको काम आएगा तो आप मेरे जैसे गाजीपुर टणवा जैसा गांव जहां तक बसें भी नहीं पहुंचती थी, वहां भी सुधाकर पांडे जी पहुंच गए थे मुझे लाने के लिए मुंबई। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, तो धन्यवाद सर। थैंक यू। आप चाहते हैं किसी और बड़े स्टार का इंटरव्यू, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और उनसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, उनका जवाब जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे लिख कर बताइएगा, मैं आपके सवालों का कर रहा हूं इंतजार, और अगले बड़े स्टार का लेने वाला हूं जल्द ही इंटरव्यू, तो देखते रहिए भोजपुरी वन।
तो आखिरकार आपने सुन ही लिया कि दिनेश लाल यादव ने आपको कहाँ बुलाया है, किन से आपको बात करनी है और इस वक्त कहाँ पे उनकी शूटिंग चल रही है। तो इसी तरह की जो जानकारी मैं हमेशा अपने चैनल पे लाते रहता हूँ। तो प्लीज़ यार, आज की वीडियो आपको धमाकेदार लगी होगी तो लाइक दे के जाइएगा। और अभी इस समय हमारे चैनल से जो नए लोग जुड़े हैं उनसे कहूँगा कि भाई ऐसी तरह की जानकारी मैं लाते रहता हूँ तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा दीजिए, वरना इस वीडियो को आप ढूंढते रह जाएंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।